नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। इस वीडियो में हम करने वाले हैं 10th बोर्ड का ज्योमेट्री का एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 3A। और इसकी पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 2 पूरा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 2 तक जितनी भी क्वेश्चन थे सारे के सारे एक्सप्लेन करके अपलोड कर दिया, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 3A में देखिए क्वेश्चन दिया है, कंप्लीट एंड राइट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ एनी वन। यहाँ पे टोटल 2 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, हमें एग्जाम में केवल एक ही करना था और दोनों बहुत इजी थे। एक जो को एक्टिविटी पहली एक्टिविटी थी वो चैप्टर नंबर 1 की थी और जो दूसरी एक्टिविटी थी वो चैप्टर नंबर 5 की थी। दोनों एक्टिविटी बहुत ही ईजी थी। चलिए 1 by 1 करके दोनों एक्टिविटी को हम देखते हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी देखिए, हमें ट्रायंगल दिया है तो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर एक्स इज एन पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल, पॉइंट एक्स इज जॉइंट टू द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल सेग पी क्यू पैरेलल सेग डी एंड सेग क्यू आर पैरेलल टू सेग ई एफ, कंप्लीट द एक्टिविटी एंड प्रूव दैट सेग पी आर पैरेलल टू सेग डी एफ। जिसमें प्रूफ में देखिए लिखा है, फर्स्ट चीज ने लिया है ट्रायंगल डी एक्स डी ई में, दिख रहा है आपको ट्रायंगल एक्स डी ई में कौन सी लाइन है, पी क्यू पैरेलल टू किसके है, डी के। अगर किसी भी ट्रायंगल की एक लाइन अगर पैरेलल तो वहाँ पे कौन सा थ्योरम लगता है, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे बीपीटी थ्योरम लगा दिया। कैसे लिखेंगे, ए एक्स एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई। तो यहाँ पे फर्स्ट जो ब्रैकेट दिया था बॉक्स दिया था वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स क्यू, आप उसको लिख लीजिए और ब्रैकेट में बना दीजिएगा, हमें जगह नहीं थी इसलिए हमने बाहर लिखा है। नेक्स्ट आते हैं दूसरे ट्रायंगल में जिसका नाम है एक्स ई एफ, ट्रायंगल एक्स ई एफ में देखते हैं क्यू आर पैरेलल टू किसके है, ई एफ के। और यहाँ पे भी ये देखिए लाइन इसके पैरेलल है तो बी पी टी यहाँ भी लग जाएगा, बी पी टी लगेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। यहाँ पे क्या है, नीचे देखिए क्यू ई आएगा और यहाँ पे आर एफ आएगा। यहाँ भी हम बॉक्स में क्या लिखेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, आप लिख दीजिएगा, मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, लिख दीजिएगा बी पी टी। नेक्स्ट अब देखिए पॉइंट 1 and 2 को हमें देखना है, दोनों में हमें देखिए एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई यहाँ पे दोनों साइड में आया, वहाँ पे राइट साइड में आया, यहाँ पे लेफ्ट साइड में, राइट लेफ्ट इक्वल दोनों हैं तो उस साइड का एक्स पी अपॉन पी डी किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स क्यू एक्स आर अपॉन आर एफ, एक्स आर अपॉन आर एफ। लास्ट वाले बॉक्स में दोनों भर देंगे एक्स आर अपॉन आर एफ। तो यहाँ पे हमारा जो थ्योरम है देखिए बी पी टी का कन्वर्स क्या बोलता है, अगर रेशियो इक्वल है तो दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल। सो देयरफॉर यहाँ पे लाइन पी आर पैरेलल टू किसकी हो जाएगी, डी एफ के। यहाँ रीजन दिया है, लिखा है बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्टिविटी हमने एक्सप्लेन कर दिया है, अब चलते हैं सेकेंड एक्टिविटी की तरफ। देखिए सेकेंड एक्टिविटी है जो चैप्टर नंबर हमारा 5 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसी में से लिया गया है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ़ ए इज 6-2, बी इज 8-2 एंड सी इज 9-4 एंड डी 7-3 आर द वर्टाइसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, सो दैट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए पैरेलोग्राम। तो पहले हमें क्या करना है, स्लोप का फॉर्मूला लगाना है। स्लोप ऑफ लाइन होता है y2 - y1 / x2 - x1। और यहाँ पे सब सॉल्व करके दिया, हमें केवल एक्टिविटी फिल करना है। तो पहले में देखिए क्या दिया है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू 2 - 1 / 8 - 6। 2 - 1 कितना आएगा 1 एंड 8 - 6 कितना 2, मतलब फर्स्ट जो यहाँ पे बॉक्स दिया है उसमें कितना लिखेंगे हम, 1/2, आप इसको जरूर लिखिए। नेक्स्ट है स्लोप ऑफ लाइन बी सी, सेम फार्मूला रखेंगे हम, 4 - 2 and 8 - 9 - 8। 4 - 2 कितना है 2 और 9 - 8 कितना आएगा 1। 2/1 नहीं लिखते हैं हम, डायरेक्टली क्या लिखेंगे, ओनली 2 लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा है स्लोप ऑफ सी डी, सी डी का निकालना है 3 - 4 and 7 - 9। 3 - 4 कितना आएगा -1 एंड 7 - 9 कितना आएगा -2। -2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्लोप ऑफ डी ए इज इक्वल टू 3 - 1 7 - 6। 3 - 1 कितना 2 एंड 7 - 1 कितना 1। 2/1 नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, केवल 2। यहाँ पे हमने चारों स्लोप निकाल दिया है, अब हमें देखना है कि किसका किसका स्लोप इक्वल है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं स्लोप ऑफ ए बी किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ सी डी के फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, एंड स्लोप ऑफ सो देयरफॉर लाइन ए बी पैरेलल टू किसकी हो गई, सी डी के। नेक्स्ट है स्लोप ऑफ बी सी पैरेलल इक्वल किसकी हो जाएगी, स्लोप ऑफ डी ए की होगी, ये कहाँ से, पॉइंट नंबर 2 and 4 से। सो देयरफॉर लाइन बी सी पैरेलल टू किसकी हो जाएगी, डी ए। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर अपोजिट साइड अगर पैरेलल होती है तो वह क्या होता है, पैरेलोग्राम। सो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए पैरेलोग्राम। यहाँ पे हमने दोनों एक्टिविटी एक्सप्लेन कर दिया, आप इसको जो भी ब्रैकेट वगैरह जो भी बॉक्स दिए हैं उसको फिल कर लीजिए। ये अभी हमारी एक्टिविटी खत्म हो गई, हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 का बी लेने वाले हैं, आपको पूरा सॉल्व करके देंगे, उसको भी आप जरूर देखिए।